जय हिंद गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, यहां पर हम चर्चा कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12 मैथमेटिक्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस टॉपिक में, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लिए थे, कुछ ही बाकी हैं। आइए उन बाकी क्वेश्चंस पर इस वीडियो में अच्छी खासी चर्चा करें। सो गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने 17th क्वेश्चन पर हम वापस आ जाते हैं। देखिए इधर, इसमें कह रहा है कि tan इनवर्स tan 3π/4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वैसे तो ये कहा जा सकता है कि अंदर में tan है, बाहर में tan इनवर्स है, तो दोनों हट जाएंगे, 3π/4 हमें मिल जाएगा। लेकिन ये बात आपको पिछले वीडियोज़ में बताई जा चुकी है कि ये सारी चीज़ें, सारे फार्मूले, सारे क्वेश्चंस किस बेस पर बने हुए हैं, केवल और केवल इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में वैलिड इनपुट्स के लिए। अब बात समझ गए आप, यानी कि ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई 3π/4, ये tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यानी मुख्य मान शाखा में स्थित होनी चाहिए। मुख्य मान शाखा क्या होती है tan इनवर्स की? ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। क्या इसे आप -π/2 से +π/2 के बीच बोलेंगे? -π/2 +π/2 का मतलब -90 से +90 के बीच। और इसका क्या मतलब है, 135 के आसपास होना चाहिए। तो गाइज, आप समझ रहे हैं कि tan इनवर्स की जो मुख्य मान शाखा है वो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 यानी -90 से +90 है। लेकिन ये जो यहाँ पर 3π/4 है वो तो भैया 135 के आसपास आ रहा है, वो इन दोनों के बीच कहाँ से आ जाएगा? नहीं आएगा। 135 का -90 से +90 के बीच आता है? नहीं आता है। तो हमें ये इन दोनों के बीच लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, -π जो है भाई, इस चीज़ को 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, π-π/4 लिख सकते हैं। और अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है tan 180 -45। तो tan 180 -45 क्या होता है, -tan 45। कैसे निकलता है, tan 180 -θ द्वितीय चतुर्थांश है ना, क्या हो जाएगा, tan नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इस तरीके से अब ये हट जाएगा, क्योंकि -π/4 इस रेंज में आ गया। अब tan इनवर्स और tan एक साथ आ गए तो हट जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइज, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ सामने लिखा है आप खुद समझदार हैं इतने। तो हमारी समस्या, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। तो आइए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लेकिन बात यह है कि बोर्ड पर जगह कम होने के कारण ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस पोर्शन में कितना कंप्लीट हुआ है। tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 की जब हम बात कर रहे हैं कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया। बाहर में tan है तो अंदर में हमने सोचा कि tan इनवर्स बना लिया जाए, तो हमारा तो काम बन जाएगा भाई, हमारी बात बन जाएगी। तो cot इनवर्स 3/2 तो बड़े आराम से हम tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, यानी कि cot इनवर्स x तुरंत के तुरंत tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो ये जो cot इनवर्स 3/2 है वो ये tan इनवर्स 2/3 में चेंज हो जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप बात समझ गए। लेकिन इसका हम क्या करें भाई, इसको भी हम tan इनवर्स में अगर चेंज कर लें तो tan इनवर्स कोई चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, प्लस tan इनवर्स कोई चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। tan इनवर्स के पदों में अंदर में tan इनवर्स बन जाएगा, बाहर में तो tan ही है, और वही दोनों हट जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये दिमाग हमने लगाया, तो यही कुछ हमने यहाँ पर किया भी है। इस चीज़ को हमने थीटा मान लिया, देखिए तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। क्या है इसका मतलब, अब अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? बिल्कुल आराम से निकल जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 - sin² थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम
डाल देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। आप देख पा रहे हैं कि cos थीटा की वैल्यू 4/5 आ गई। इस कंडीशन में हमें चूंकि tan थीटा निकालना था इसलिए हमने cos थीटा को निकाला। सो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा की वैल्यू ये वाली डालिए, cos थीटा की वैल्यू ये वाली डालिए, काट पीट कर आंसर कितना आएगा भैया 3/4 आ जाएगा। आगे हम देखते हैं, अब tan थीटा की वैल्यू 3/4 आ गई लेकिन हमें थीटा चाहिए था, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 3/4। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने थीटा शुरुआत में इसे माना था sin इनवर्स 3/5 को, इसको बदलते 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 हम थीटा को अब tan इनवर्स 3/4 में ले आए हैं, यानी कि जो थीटा ये था वही थीटा ये है, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं, बराबर। आप बात समझ गए, तो जहाँ पर sin इनवर्स 3/5 था वहाँ पर हम tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। ओके आप इतनी बात समझ रहे हैं, तो भाई देख लीजिए इतना हमने किया, उसके बाद ये हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया था उसे हमने नोट कर लिया यहाँ पर, sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब हमने इसकी जगह पर थीटा माना था तो हमने डाल दिया, भाई शुरुआत हमने यही तो माना था, प्लस ये cot इनवर्स 3/2 को हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया और tan इनवर्स में चेंज कर लिया, बस अंश का हर और हर का अंश हो गया। अब थीटा की जगह पर हम ये वाला मान डालेंगे, हालांकि हमने माना ये वाला था लेकिन इसे बदलते 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 हम यहाँ तक आ गए, अब थीटा का ये वाला मान डालेंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला ये फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको आगे कैसा सिंप्लीफाई करना है ये आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं। ओके सो प्लीज़ गाइज टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पोर्सन सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट पोर्सन टू सॉल्व दिस रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गाइज बचा हुआ पोर्शन अब यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा देखिए, अब यहाँ तक हमने कर लिया था पिछले स्लाइड में यहाँ तक, अब यहाँ पर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, और आगे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है तो देखिए यहाँ पर tan तो बाहर था ही, अंदर में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y था, तो tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 - x इंटू वाई। अब ये 3 से 3 कैंसिल नहीं करेंगे, ये 2 से 4 कैंसिल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आगे हमें 12 मिलने वाला है। ठीक है अब आप इसे अपने हिसाब से हल कर सकते हैं, जैसे भी हल करना चाहे, ओके जैसे भी हल करना चाहे आप इसे हल कर सकते हैं। हल कर लिया हमने, अंदर में आ गया tan इनवर्स 17/6, अब ये tan इनवर्स tan आपस में हट जाएंगे और आंसर क्या जाएगा 17/6। सो गाइज ये बहुत ही आसान से सवाल हैं, अब हमारे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी इन्हें समझने में, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, आप प्लीज़ उसमें कमेंट ज़रूर कीजिए। सो प्लीज़ गाइज टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पर्सन ऑल्सो। सो फाइनली गाइज हम अपनी इस एक्सरसाइज के एंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आई गेस इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे बस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20th पर आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20 पर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका मान इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा, इसमें भी हमें वही करना है, सोचिए थोड़ा सा, बहुत आसान है। अंदर में sin इनवर्स -1/2 दिया गया है, अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, उसमें जोड़ घटा दीजिए आंसर आ जाएगा, बस इतना ही करना है। क्या करना है, sin इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये तो π/3 ऑलरेडी दी हुई है, इन्हीं को जोड़ घटा लेना है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको इसके साथ घटा लेना है, आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का टास्क है इस क्वेश्चन में, तो आइए उस टास्क को हैंडल करते हैं। देखिए यहाँ पर sin इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है भाई, साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, तो माइनस लगा रहने दिया हमने, 1/2 की जगह पर साइन π/6 हमने लिख दिया, समझ गया। अब π/3 माइनस साइन इनवर्स सब कुछ वैसे नोट कर लिया, ये माइनस था, अब आप एक बात जानते हैं, वो बात क्या है भी, वो भी बता देते हैं हम आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि जो साइन -θ होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का
साइन थीटा, ठीक वैसे ही अगर माइनस का साइन थीटा दिया गया है तो उसे हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस साइन थीटा था, इसे हमने साइन माइनस थीटा लिख दिया। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज को ध्यान से देखिए, माइनस पाई बाय सिक्स को, क्या है माइनस पाई बाय सिक्स साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आती है? यस, ये आती है, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक है, वो भी क्लोज्ड इंटरवल। टैन इनवर्स की ओपन हो जाती है बस, तो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच है, तो माइनस 30 लाई कर रहा है ये, इसका मतलब माइनस 30 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये वाली चीज़ इस रेंज में ना आती तो हम ऐसे कतई नहीं लिख सकते थे, फिर हमें इसे तोड़ मरोड़ कर इस रेंज में लाना होता, उसके बाद हम ऐसे लिख पाते जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया गया था। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बढ़ना क्या है, तो हल हो गया, इसकी वैल्यू हमें मिली गई। तो पाई बाय थ्री माइनस, और ये माइनस था भाई, कोण हमारा माइनस में था, तो माइनस हमने नोट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आगे आप सॉल्व करना जानते हैं, बचपन से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं कि टू, ये जो कहाँ गया, ये पाई बाय थ्री लिखा हुआ है सॉरी पाई बाय थ्री लिखा हुआ है। ओके, सो पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स को सॉल्व करने के लिए हमने पाई बाय थ्री को टू पाई बाय सिक्स ले लिया और ऐसे लिख लिया और सॉल्व किया, तो साइन पाई बाय टू आ गया, जिसकी वैल्यू वन होती है। तो फाइनली इस चीज़ को हमने वन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इस चीज़ की वैल्यू हमें वन मिल गई। कौन सा ऑप्शन सही है? डी हो गया, काम खत्म, बात समझ गया। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें अभी आगे हम और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आइए गाइस, इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, जो कि बस लास्ट ही है, इसके बाद अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं बचे हैं। इसके बाद हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसे हिंदी में बोलते हैं विविध प्रश्नावली, वो शुरू करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें भी कह रहा है कि ये जो चीज़ दी हुई है टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, इसका हमें मान बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा। कुछ नहीं करना है इसमें भी, इन सब की वैल्यूज को चेंज करना है और अपने तरीके से बस इसे हल करके इसका मान लाना है। ओके, वैसे तो इसे दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है, लेकिन आई गेस वो तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब समझने योग्य नहीं होगा वो, इसलिए मैं छोटा वाला रास्ता अपनाया और आपको ये छोटा वाला बता दिया। तो देखिए, इधर हमने सबसे पहले नोट कर लिया जो दिया गया, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ओके, उसके बाद हम देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि इसको हमने ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि जो रूट थ्री है इसे हम टेन पाई बाय थ्री लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर में टेन इनवर्स है तो अंदर वाला हम टेन में ही बनाएंगे, बाहर में इधर कॉट इनवर्स है तो अंदर में जो माइनस रूट थ्री है उससे हम कॉट 150 की वैल्यू, हम जानते हैं कि ये माइनस रूट थ्री कॉट 150 की वैल्यू होती है, कॉट 150 यानी 150 को हमने रेडियन में चेंज कर लिया और कॉट 5 पाई बाय 6 आ गया। इतनी बात आप समझ रहे हैं, तो कुछ नहीं किया है हमने, बस इन सब की वैल्यू इसको ही तो डाल दिया है, बाहर में कॉट इनवर्स लिखा रहने तो क्या फ़र्क पड़ता है। इतना आप समझ गए, रूट थ्री की वैल्यू पड़ गई, माइनस रूट थ्री की वैल्यू पड़ गई। अब जरा थोड़ा सा सोचिए कि टेन इनवर्स और टेन एक्स साथ आए हैं तो क्या ये दोनों हटेंगे? यस, ये उस कंडीशन में हटेंगे अगर ये वाली वैल्यू टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यानी मुख्य मान शाखा में स्थित है। तो चूंकि हम जानते हैं पाई बाय थ्री का मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री, ये टेन इनवर्स की जो मुख्य मान शाखा है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू यानी माइनस 90 से प्लस 90 उसके बीच लाई करता है, 60 डिग्री आता है कि नहीं आता, इसके बीच आता है, इसलिए ये दोनों हट जाएंगे और ये बचेगा। ठीक वैसे ही कॉट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है वो क्या होती है, ओपन इंटरवल 0 से पाई यानी 0 से 180, और यहाँ पर भैया ये है क्या, ये तो 150, अब तो 0 से 180 के बीच आ गया, और अगर आ गया मतलब कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई कर गया, और अगर लाई कर गया तब तो भी हम इन दोनों को हटा सकते हैं, हटा दिया तो 5 पाई बाय 6 बच गया। अब कुछ बचा इस क्वेश्चन में नहीं ना, तो क्या आप इसे अपने तरीके से सॉल्व कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, माइनस पाई बाय 2। ओके,
तो आपको आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं, दोनों करते हैं और अपेक्षा भी करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके पहले की एक्सरसाइज यानी 2.2 की जो कंप्लीट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस बताए गए हैं या जो छोड़े गए हैं उनकी हिंट हम कोशिश करेंगे ये टॉपिक खत्म होने के लास्ट वाले वीडियो में आपको हम हिंट जरूर दे देंगे। सो गाइज, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा और मिल लेंगे। सो गाइज, इस तरीके से हमने अपनी एक्सरसाइज 2.2 कड़ी मेहनत करके कंप्लीट कर ली। अब आप भी कड़ी मेहनत कीजिए और इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो छोड़े गए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई डाउट आने पर नो हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भैया हमें ये प्रॉब्लम है, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम अपनी मिसलिनियस एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पर शुरू करेंगे। सो गाइज, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए। सो थैंक यू एंड जय हिंद।